वेलकम टू सौरुषी ब्लॉग। सो काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड जो रखा था वो डैमेज हो गया था। सो अक्सर मेरे डैमेज हो जाते हैं ट्राईपॉड, तो मुझे बहुत ही कोई अच्छा सा चाहिए था। क्या है, मैं फेस नहीं दिखाती हूँ, मैं सिर्फ ये 360 एंगल एकदम सामने वाला मुझे फेस चाहिए होता है। तो काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद अमेज़ॉन में मैंने एक एंड यूट्यूब में भी मैंने काफ़ी देखे हैं, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। कमलिंग से आपको पता चल ही गया होगा। एंड ये स्टब ऑन ओवर हेड ट्राईपॉड कैमरा है, 10 360 एंगल इसका डिग्री है। लेट्स ओपन इट, देन हम बात करते हैं। सो ये देखिए साइड से पैकेजिंग है, लंबाई ऐसी है इसकी। और यहाँ से हम खोलते हैं इसको। सो क्योंकि एक अच्छा बेस्ट ट्राईपॉड लाना खरीदना बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ये मैंने साइड में फ़ोन इसलिए रखा है कि मैं आपको जो भी डिटेल्स है मैं आपको यहाँ से भी पढ़ के दे दूँ, कोई भी चीज़ मिस ना हो। सो ये देखिए, सो ये देखिए, ये हमारा पूरा ट्राईपॉड का बॉक्स है, काफ़ी सुंदर बॉक्स है। एंड ये मेन मेरा ये ख़रीदने का मोटिव ये था, ये 360 एंगल रोटेट हो जाता है क्योंकि मुझे फ्रंट वाला चाहिए होता है और मुझे टेबल पे ही इसको चाहिए होता है। सो अगर आप कुकिंग या आप न्यू बिगनर यूट्यूबर हैं या किसी भी, अगर उन मूवी देखने के लिए भी अगर आप बेड से कनेक्ट करना कर सकते हैं तो बेस्ट है ये। एंड ये टैबलेट भी कनेक्ट हो सकता है और फोन। तो यहाँ से देखिए कितना हर चीज़ दिया है, 180 फोल्ड ये हो सकता है, एंड 180 ये भी फोल्ड, एंड 360 जो मोट है ये 360 रोटेट हो सकता है, एंड 135 ये वाला हो सकता है, एंड ये नीचे 360 पूरा घुमा के आप उल्टा सीधा। सो प्रोफेशनल मोबाइल टैबलेट यूनिवर्सल स्टैंड, पैकेजिंग इस टाइप से है। सो आप इसमें वीडियो हार्ड कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हो पॉबली। एंड ये इसका डिटेल्स है, पीछे भी ऐसे ही है एंड साइड में भी यही है। सो लेट्स ओपन इट, और मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ का नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो हम चलिए ओपन करके देखते हैं। सो ये पूरा स्टील से बना हुआ है, द बेस्ट थिंग ये है। एंड इसका कैपेसिटी 1000 ग्राम है, ये वीडियो ग्राफी के लिए यूज़ होता है। एंड इसका हाइट रेंज 295 mm एंड 715। सो ये देख लो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इधर आए इसके साथ। सो अभी मैंने ये पूरा बॉक्स ना खाली कर दिया है, ठीक है। सो मैं दिखा देती हूँ, सबसे पहले हमें क्या क्या आइटम मिला है। एक ये देख लो कितना अच्छा ये टैबलेट के लिए लगता है, ये टैबलेट आप कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है। सो ये सेकेंड वाला हमारा टैबलेट के लिए उन्होंने दिया था, और एक हमारा मोबाइल के लिए दिया था, और ये जो मैं ऑडियो एक्स्ट्रा कनेक्ट कर रही हूँ मैंने यूज़ करके एंड अच्छे से 2-3 बार वीडियो भी बना कर फिर मैं ये वॉइस जो बैकअप एडिटिंग कर रही हूँ गाइस। सो ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा सच में। ट्राईपॉड मैंने काफ़ी ट्राई किए, एंड एज अ यूट्यूबर इतने सारे ट्राईपॉड हर एंगल्स में शूट लेना पड़ता है, तो कभी कभी कभार क्या होता है, जो मैंने लाइट वाला भी, अगर आपने पहले वीडियोस देखी हो, मैंने लाइट वाला लिया था तो उसको बार बार फोल्ड भी करना पड़ता था टाइम टू टाइम, तो वो फोल्ड करते करते, एंड एक बार क्या हुआ गाइस, मैंने उसमें ना अपना कैमरा फिट कर दिया एंड फिर वो हुआ ही नहीं यूज़, तो मेरा वो वेस्ट चला गया। एंड उसके बाद मैं नॉर्मली थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ लगा कर मैं यूज़ कर रही थी अपने सारी जो वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए काफ़ी कम भी आ रही थी, क्योंकि जो उस एंगल में जो मेरा जुगाड़ चल रहा था उस एंगल में जितने भी शूट हो पाते थे मैं सिर्फ वही शूट करती थी, बाकी वीडियो मैं नहीं करती थी। सो मैंने ये ख़रीदा फ्लिपकार्ट में, काफ़ी रिव्यूज़ पड़े, मैंने कई टाइम से मैं देख रही थी, बट इसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड आप ये देख रहे हो जो
एंगल है, यहाँ पे हमारा एडजस्टेबल होगा, वो मैं दिखाऊंगी। ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग है गाइस, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप अपना चेहरा वगैरह नहीं दिखाते हो या दिखाते भी होगे, आप एक टेबल में फिट करने वाला चाहते हो, तो बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और आप काफ़ी वीडियो देखोगे तो आपको रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। सो ये देखिए खुल जाता है, लेंथ ब्रेथ बिल्कुल एक करोड़ है, जो अगर आप टेबल पे शूट कर रहे गाइस उसके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ये भी कभी कभार ना काफ़ी ट्राइपॉड्स के टूट जाते हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट परचेज भी करना पड़ते हैं, बट मुश्किल है ये टूटे, बट सपोज़ अगर ऐसा होता भी है तो ईज़िली अवेलेबल है। एंड मेरा इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि पता नहीं आईफोन 13 प्रो मैक्स में फ़िट होगा कि नहीं, बट ईज़िली हो गया, अगर उससे भी बड़ा फ़ोन है कोई ईज़िली फ़िट हो जाएगा, जो छोटा हमारा उन्होंने दिया है होल्डर। सो ये हम खोलते हैं यहाँ। सो ये मेन थिंग है इस पूरे ट्राईपॉड की, इससे ही अमेजिंग हमारा ट्राईपॉड होता है। सो ये हमारा टेबल पे फिट करने के लिए एडजस्टेबल है, इसी से हम एडजस्ट करते हैं अपनी जो भी हम फिट करते हैं अपना ट्राईपॉड। सो यहाँ पे हम जो भी मटेरियल है आपका, यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने फिंगर लगाया है यहाँ पे, किसी कभी आप जो टेबल का है ना वुड, अब यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे आपको एडजस्ट करके जितना भी थिक हो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको लगा सकते हो। तो देख रहे हो आप काफ़ी साइज बढ़ा दिया है, कितना भी आपका अगर टेबल का वुड मोटा है तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो बेड पे वगैरह कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, एंड बहुत वेटेड है, पूरा स्टील का बना हुआ है, तो जंक वगैरह मुझे लोहे का तो कुछ भी नहीं लगा, पूरा स्टील का। एंड फिनिशिंग वाज वेरी अमेजिंग, एंड थोड़ा वेटेड है, ज़्यादा नहीं फिर भी वेटेड है ये, इसी की बेस्ट थिंग है कि ये क्वालिटी दिखा रहे। प्राइस के हिसाब से ना चीज़ हमें बहुत अच्छी मिल गई, क्योंकि मैंने लाइट वाले भी लिए हैं, वो 1000 तक के 1200 के तक के मैंने लिए हैं, तो लाइक उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना इससे आया सच में। और ये हमारी इसमें कैमरे में, क्योंकि एक हाथ से मैं लाइक अपना कर रही हूँ, मैंने किसी को फ़ोन पकड़ाया है वो शूट कर रहे हैं, तो पूरा लेंथ नहीं कवर हो पा रहा है, बट लेंथ अच्छी खासी है, आप कितनी भी वाइड एंगल से अपने टेबल पे लगा के दूर से कैप्चर कर सकते हो, पूरे टेबल कवर हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको जो होल दिया है यहाँ पे फिट करना है इसको, और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे आपको टेबल पे भी फिट करना है। सो यहाँ पे आप फिट करने के बाद इसको स्क्रू टाइट कर दीजिए, जिससे ये निकले भी नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी टेबल पे फिक्स करना है यहाँ पे। सो इस साइज से मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कैसे फिक्स करना है, और यहाँ पे आपको इस साइड पे जो होल है यहाँ पे फिक्स कर देना, पहले इसको निकाल दीजिए, फिर यहाँ पे आपका जो है वो फिक्स कर दीजिए। एंड बेस्ट थिंग ये, आपका फ़ोन कितना भी वेटेड हो, आप जानते हो 13 प्रो मैक्स से ज़्यादा वेटेड कोई भी फ़ोन मुझे नहीं लगता अभी तक हो, और टैबलेट तो होते ही होते हैं, बट फ़ोन अभी तक इतना हैवी वेटेड नहीं हो सकता है। आराम से गिरने का कोई भी रिस्क नहीं है, आपका आराम से जैसे का तैसे ही रहेगा, और ना बहुत मूवेबल आराम से कर सकते हो आप इस सेट से। तो इसको टाइट कर दीजिए एंड इसको फिट करने के बाद, जिससे आपका इजली नहीं निकले। देखिए हमारा हमने टाइट कर दिया इसको, एंड अब ये निकलेगा नहीं। यहाँ पे आप फ़ोन फिट कर लीजिए, आराम से एडजस्ट आपका हो जाएगा, जो हिल रहा है ना इसको भी एडजस्ट करने के लिए है, घबराइए नहीं। एंड ये पूरी लेंथ है हमारी, एंड गाइस बहुत इजी टू यूज़ है, एंड मैं कहीं पे भी बहुत कवर्ड में आ जाता है। अभी आप खुद ही सोच रहे हो लाइट वाला लोगे ना तो वो नहीं आ पाएगा। सो आईफोन से मैं शूट कर रही हूँ इस वजह से मैंने नॉर्मल फ़ोन लिया है, मैंने फ़िट करके आपको दिखा दूँ, जिससे देखिए इस टाइप से फ़िट हो जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मूवमेंट भी कर रहा है वो हम बाद में फिक्स कर लेंगे, उस मैं दिखाती हूँ आपको वो भी, जो आपको हिल डुल रहा है वो कैसे फ़िक्स करना है। सो इसके जस्ट बगल में ये नॉट है, तो आपको ये फ़िक्स कर देनी है। अब मैं आपको टेबल का दिखा रही हूँ, टेबल पे कैसे फ़िक्स करते हैं। सो वीडियो इधर उधर रहेगी क्योंकि हाथ में है फ़ोन। सो देखिए हम टेबल पे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपकी जो भी है थिकनेस है, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लूज कर लीजिए पहले, एंड फिर उस पर फिट करके फिर आप इसको एडजस्ट करिए टाइटली। सो मैं अभी फ़िलहाल टेबल पे, छोटी सी टेबल पे मैं शूट कर रही थी,
तो इसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा लूज़ कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से फिट कर दूँगी। देखिए थिकनेस आपको दिखा रही होगी, और ये साइड में जो वीडियो मैंने एडिट की है इस टाइप से आपका फ़िट होने के बाद ऐसा लुक रहेगा। सो आप किसी भी एंगल से साइड वाइड पे कर सकते हो, पूरा 360 डिग्री में आप मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप क्लोज़अप में वीडियो लेना चाहते हो तो इधर कर सकते हो, और भी क्लोज़अप सबसे माइक्रो माइक्रो क्लोज़अप अगर आप पेंटिंग करते हो कुछ भी माइनर, तो हमारा साइड राइट हैंड साइड पे वीडियो पे देखिए एडजस्ट भी हो गया, और मैं लेफ़्ट पे दिखा रही हूँ कैसे आपको एडजस्ट करना है। तो बहुत ही अमेजिंग है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।